जो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है क्या वो आज भी एक्सेप्टेबल है? लोगों की चीखें निकल जाती हैं अमेजनों की शक्ल देखकर। तो देखो यार, आज ही Z5 के ऊपर एक नई इंडियन मूवी को रिलीज किया गया है जिसका नाम है सफेद, जो कि आपके सामने हमारी सोसाइटी की ही दो ऐसी समुदायों के बारे में बताने की कोशिश करता है जिसको हमारा समाज जो है वो अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरीके से बन के निकली है, क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है नहीं करती, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है काली और चांदी को। काली जो कि एक विडो है और चांदी जो कि एक ट्रांसजेंडर है। किस तरीके से आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि दोनों के साथ अपने अपनी कम्युनिटी के अंदर कैसे बर्ताव होता है, किस तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं और कितना अकेलापन उनके अंदर है, और उसी अकेलेपन से भागते भागते वो दोनों के दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। किस तरीके से उनके बीच में, मैं लव का रिलेशनशिप नहीं बोलूंगा, बोलूंगा एक इमोशनल, एक प्यारा रिलेशनशिप उनके बीच में होना शुरू होता है। अब क्या समाज उसको अपना पाएगा, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, और उनका जो ये चल रहा है उसका एंडिंग रिजल्ट क्या निकलने वाला है, और इससे जो डायरेक्टर हैं संदीप सिंह वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इस मूवी को चेक करना पड़ेगा, जिसका रन टाइम जो है वो सिर्फ 1 घंटा और 10 मिनट के आसपास रखा गया है। और अगर मेरे को आपके सामने इस मूवी का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो तो मैं इतना ही बोलूँगा कि ये मूवी डार्क थी। ये मूवी उस तरीके से थी कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन जिस तरीके से उसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया बिना किसी इमोशनल टच के, बिना किसी करेक्टर डेवलपमेंट के, डेफिनेटली उसके अंदर मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, जिसकी बात हम लोग आगे डेफिनेटली करने वाले। तो अब पहले शुरू करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पार्ट की। तो इस मूवी का पहला पॉजिटिव पार्ट होगा इस मूवी के अंदर एक्टर्स का काम। भाई साहब, अभय वर्मा एज चांदी फाड़ दिया उन्होंने पूरी की पूरी स्क्रीन को। बात करें यहाँ पे मीरा की, जिन्होंने काली का रोल प्ले किया है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक्टिंग की है, मतलब एक बड़ी स्वीट सी लड़की है, लाइक यंग एज में वो विडो हो गई है, अब उस तरीके से जो दिखाया गया है, सभी के सभी एक्टर्स अपने काम को जबरदस्त तरीके से प्ले किया। साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जमील खान, जो कि एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक्टिंग दिखाई है, क्योंकि वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, डेफिनेटली उनका जो काम है वो एक एप्रिसिएशन डिजर्व करता है। इसके बाद जो इस मूवी का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा वो होगा इस मूवी की एंडिंग, क्योंकि जिस तरीके से आपको इस मूवी की एंडिंग में एक लाइक आई वुड से झटका लगता है, एक शॉक लगता है, जिस तरीके से डायरेक्टर अपनी बात को कन्वे कर पाता है, वो एक इम्प्रेसिव चीज़ थी इस मूवी के बारे में। मतलब आप एंड में बैठ के सोचते हो इसके बारे में, हो सकता है आप थोड़ा इमोशनल भी हो जाओ। तो अब बात करते हैं देखो इस मूवी के नेगेटिव पार्ट की। इस मूवी का पहला नेगेटिव पार्ट होगा इस मूवी के अंदर आपको जिस तरीके से आई वुड से कैरेक्टर की डेवलपमेंट दिखाई गई है वो इतनी कुछ खास नहीं है। मतलब आप चाहते हो कि आप उनके लिए एक इमोशन फील करो, बट आप चाह कर भी वो चीज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर कन्वे नहीं होता है। चाहे आप बात करो इंडिविजुअल कैरेक्टर के बारे में या आप बात करो जो उनकी जो बॉन्डिंग दिखाई गई है, वो इमोशन आप बिल्कुल ही फील नहीं कर पाते। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि जो इसकी एक इमोशनल डेवलपमेंट है, जो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो और बेहतर हो सकती थी। इसके बाद जो इसका अगला नेगेटिव पार्ट होगा देखो वो होगा, मुझे काफ़ी हद तक इसको देख के ऐसा फील आया कि जो ये मूवी है ना, मतलब बहुत जल्दी में है ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर इतना ध्यान दिया गया ना, स्टोरी पर इतना ध्यान दिया गया, हाँ बस एक कहानी है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसे 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 करके ख़त्म। उसको टाइम देते, उसको डेवलपमेंट में डालते कि हाँ यहाँ कैरेक्टर ये है, इसका ये हुआ है, ना कोई बैक स्टोरी है ना कुछ है, सीधा आपको डालते कि हाँ ये विडो हो चुकी है, ये ट्रांसजेंडर है, इनको आपस में प्यार होने वाला है, और ऐसा है, मतलब आप अपने आप इसको एडजस्ट कर लो। तो उस तरीके का जो एक एटीट्यूड में कोई इस मूवी के अंदर लगा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया वो। तो इन द एंड देखो, आप लोगों से बस इतना बोलूँगा कि जो ये मूवी है ना, वो एक अच्छी मूवी बन सकती थी, लेकिन जिस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन है, लाइक कॉन्सेप्ट अच्छा है कि हाँ वो आपको सोचने में मजबूर करता है, लेकिन जिस तरीके से उसको आपके सामने प्रेजेंट किया गया है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव महसूस नहीं होता। तो मैं इस मूवी को रेट करूँगा 2.5 out of 5 star। तो ये थे मेरे थॉट्स, मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी सफ़ेद। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, और ऐसे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।